नाम बताओ, क्या नाम? अर्जुन सर। अर्जुन कहाँ से आप? कर्नाटक से। कर्नाटक से है? तो अभी क्या किए इसमें? डबल डेकर था सर। डबल डेकर था ऑन था पहले भी सेट? ये ऑन था। क्या करे इसमें? सीपीयू निकाले, सीपीयू रैम निकाले, आप खुद निकाले ना सब कुछ अपने हाथ से निकाले? अभी कितना दिन हो गया इसको अपने को? 10 दिन हो गया। जब आप पहले आए थे, आप आने से पहले क्या काम करते थे दुकान में? टच ग्लास का और डिस्प्ले डालने का उतना ही करता था। टच और ग्लास का काम करते थे? ये तो फेक बात तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं सर। अच्छा, मेरे साथ और भी स्टूडेंट है यहाँ पे, किरण। हाँ सर। ये आपके साथ ही है ना? ये अभी बोल रहा है ये लाइव टच ग्लास का काम करता था पहले से। तो ये जब आया तो पहले रिवॉल्विंग सिखाए नॉर्मल एसी, फिर एसी लगाना सिखाए, अभी ये डबल डेकर करा। ये खुद करा कि टीचर करे? ये खुद करा ना हाथ से? ठीक है, तुम भी कर रहे हो, बताओ थोड़ा सा, तुम भी कर ही रहे हो? अच्छे से सर। ठीक है। तो अर्जुन पूरा ऑन हो गया सेट? हाँ सर। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ऑन हो गया। तो अर्जुन बताओ कैसा लग रहा है अभी सेट ऑन करके? बढ़िया। चेहरे पर स्माइल तो दिख रही नहीं मेरे को। बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो कोई आना चाहे तो उसको क्या बोलना चाहेंगे, यहाँ सीखने के लिए आना चाह रहे थे? नंबर 1 स्टूडेंट है सर। हाँ, क्या सोच के आए थे ना, उसके से ज्यादा ही मिल रहा है। ज्यादा मिल रहा है उससे? कुछ इधर का बात नहीं है, बात करने के लिए नहीं होता सर, वैसा ही स्टूडेंट है। अच्छा, कुछ बोल नहीं सकते आप, इतना यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बच्चे जा रहे हैं, पता नहीं क्या काम सीख रहे, क्या कर रहे हैं। तो वैसे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे आप? उधर का और इधर ढूंढने के लिए एक ही जगह है, 4 पिक्सल के लिए आ गए तो डायरेक्ट एक ही बात में सीख के जाते हैं। तो आप अकेले डबल डेकर बनाए कि यहाँ पे जो दूसरे बच्चे हैं ये लोग भी डबल डेकर बना रहे? सब लोग बना रहे। ऑलरेडी कितने बच्चे ऑन कर लिए ना? हाँ सर। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मास्टर बनने से बना रहे हैं? नहीं, नहीं। जैसे आप खुद है, आप खुद ग्लास डालते थे, टच डालते थे, आज एक डबल डेकर का सीपीयू बना के डाल दिए, सीपीयू खोले, आप खुद खोले। ऐसा नहीं है कि हम खोल के क्लीन करके रिवॉल्व करके तो नहीं दिए, अपने हाथ से खोले। तो जब पहले दिन आए तो पहले रिवॉल्विंग सिखाए आपको, फिर सैमसंग के 2 बोर्ड दिए, उसमें प्रैक्टिस कराए, वो भी ऑन दिए थे। अच्छा, अच्छा वो भी करे थे आप? वो भी करे और आज डबल डेकर भी बना दिए। अच्छा फील हो रहा है? फील अच्छा हो रहा है सर, खुश हो रहा है सर इधर आने। ये कोई फेक वीडियो तो नहीं है? नहीं सर। क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, क्योंकि हम तो ऐसा जबरदस्ती तो नहीं बुलवा रहा हूँ आपसे। नहीं सर, नहीं वैसा तो कुछ नहीं सर, रियली है सर। क्या अलग लगा आपको इंडिया में दूसरे इंस्टीट्यूट से? यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट है, वहाँ से यहाँ क्या अलग है? ज़्यादा ही बढ़िया है सर, मेरे को इधर आने में पहला सोच के आया था उधर से ज़्यादा ही मिल रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूट का हम पता ही नहीं, और दूसरा लोग उधर उधर जाने के लिए छोड़ के इधर आ सकते हैं। अच्छा, कर्नाटक से आप? हाँ सर, कर्नाटक। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही, जी हाँ फ्रेंड्स, आज ही वीडियो को पॉज करिए और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा इमीडिएटली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। हमारे पास एक फोन है आज, ओप्पो का एक F9 प्रो जो मीडियाटेक का फोन है ओप्पो में। ये आज हमारे पास एक फोन आया कस्टमर के पास था, जो फोन ऑन होता है और एक 5 सेकेंड या 10 सेकेंड चलने के बाद फिर रिबूट हो जाता है। तो आपके सामने देखना, यहाँ पे लाइव यहाँ पे ये ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद ये एक 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड तक चलने के बाद ये फोन फिर से रिबूट हो जाता है। तो यहाँ पे देखना, एक फोन ऑन हो गया है जिसका मैं ऑन करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पूरा फोन ऑन हो गया, सब वर्किंग भी हो जाता है, लेकिन ये कुछ 15 सेकेंड या 10 सेकेंड चलने के बाद फोन अपने आप रिबूट हो जाता है। तो यहाँ देखना आप, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा यूज करके देखता हूँ कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे देखना, हैंग हो गया और फोन बंद हो गया। ठीक है, ऐसा ही एक 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक चलता है और बंद हो जाता है। तो ये बार बार ऐसे ही प्रॉब्लम आ रहा है कस्टमर को। तो इसका जो इश्यू होता है, ये F9 प्रो में सबसे ज्यादा कॉमन वाली चीज होती है, ये हमेशा आपका EMMC से ही इश्यू होता है। ये फ्लैशिंग भी करके आप नहीं कर पाओगे, ये फ्लैशिंग से भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसे हमें डायरेक्टली UEFI बॉक्स में ही लगा के या EasyTech बॉक्स में ही निकाल के, इसका EMMC निकाल के प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा।
तो चलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इसका बोर्ड बाहर निकाल के इसका एमएमसी निकालते हैं। तो ये भी आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा एमएमसी एसके हाइनिक्स में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है हेड का। तो ये इसमें एसके हाइनिक्स लग के है या नहीं आपके सामने हो जाएगा, देख लेंगे हम। तो ये फिर से रिबूट हो गया, देख लेना। कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि इसका वॉल्यूम का की वजह से भी होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। ये प्रॉब्लम उसे नहीं है, ठीक है। ये आपका 10 सेकंड तक चलता ही नहीं है। अगर वॉल्यूम की का अगर इशू होगा तो इतने देर तक वेट नहीं करता, वो आपका तुरंत हो जाता है 5 सेकंड। तो ठीक है, यहाँ पे ये फोन ऑन हो रहा है फिर से, लेकिन ये फिर से वापस 10 to 15 सेकंड चलने के बाद फिर रिस्टार्ट हो जाएगा। ऑफ हो गया, तो यही दिक्कत आ रही है बार बार। तो चलो, इसमें हम वेट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़े जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको बोर्ड, पहले से ही हमने इसको पूरा खोल के रखा हुआ था। तो यहाँ पे बोर्ड हमने ओपन किया, इसमें एसके हाइनिक्स का ईएमएमसी लग के है, देखना यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। ये एसके हाइनिक्स का ईएमएमसी लग के है, अभी शील्ड निकला हुआ नहीं है। अब हम इसे शील्ड निकाल के हम इसका आईसी भी रिमूव करेंगे, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, आगे बने रहना हमारे साथ। तो यहाँ पे हम उसका ईएमएमसी रिमूव कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा आईसी रिपेयर हो गया। अब हम इसे बॉक्स में लगा के एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें हमारा क्या इशू है। तो चलो आते हैं, हमें बॉक्स में लगा के देखते हैं हम सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे योफाई बॉक्स को, और एक बार देख लेंगे योफाई के बॉक्स के अंदर ये एमएमसी के अंदर क्या इशू हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम सेटअप ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। है, हम इसे बॉक्स में फिक्स लगा देंगे। तो पास में बताना। तो यहां पे हम टूल ओपन कर लिया। अब यहां पे बॉक्स कनेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सेटिंग चेंज करता हूँ 12, और मैं एक बार आइडेंटिफाई कर लेता हूँ ईएमएमसी को। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी ईएमएमसी के अंदर क्या दिक्कतें हमें मिल रही है। तो फ्रेंड, यहाँ पे
आईसी हमारा डिटेक हो गया जो कि हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन इसमें शो कर रहा है, बाकी सब ओके है। जो कि हमारा यहाँ पे एमएलसी हेल्थ है 60-70% चला गया और डिवाइस लाइफ टाइम आपका अर्जेंट कंज्यूम 90% ऑफ द रिजर्व ब्लॉक, मतलब इसका हेल्थ का प्रॉब्लम होने के कारण आपका ये फोन बार बार रिस्टार्ट हो रहा था, जिसकी वजह से आप वर्क नहीं कर पा रहे थे, फोन यूज नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे करेंगे ये आईसी को रिपेयर। इसका पहले हम पूरा डंप बैकअप करने के बाद, सिक्योरिटी फाइल्स बैकअप करने के बाद, इसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे रिपेयर करते हैं आप यहाँ पे देखेंगे। तो आइए यहाँ पे फिर से हम दिखा दें आपको। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं। दूसरा वीडियो बना देंगे, इसमें बैटरी भी कम होगा, थोड़ा चार्जिंग को लगा लीजिए। देखते हैं, तो सबसे पहले इसका हम यहाँ से लेंगे एक्सक्लूड यूजर डाटा डंप, जिसके कारण हमें इसमें इसका फ्लैश फाइल और सिक्योरिटी फाइल इसमें सभी आ जाएगा, हमें इसको फ्लैशिंग करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हम इसका पूरा डंप लेंगे। तो यहाँ पे एक फाइल लेके, कभी कभी यूएफआई के अंदर ऐसा इशू आता है कि एक फाइल लेने के बाद ये छोड़ देता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, फिर से सिंपली वन रीड पे क्लिक करना है, तो ये फिर से वापस इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देगा रीड करने वाला। ठीक है, यहाँ पे हमें करना है यस। तो यहाँ पे आपका डंप रीड होना शुरू हो गया है, जो कि हमारा 7.15 GB का डंप है। तो इसमें थोड़ा सा वेट लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है डंप रीड होने में, मिनिमम 1 आवर के आसपास चला जाएगा। नहीं, इसमें टाइम थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो हमें एक काम करेंगे, इसको इसी को ही प्रोग्राम हम इजी अटैक से कर लेंगे, तो थोड़ा सा फास्ट वर्क होगा, उससे थोड़ा सा डंप थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो हम सारा प्रोसेस क्या करेंगे, इजी अटैक से ही तो इसको पूरा वर्क करेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से अबॉर्ट कर देता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार करने में आईसी अगर वर्किंग मतलब रीड होते, अगर जब रीड हो रहा है काम आपका और कोई अबॉर्ट हो जा रहा है, तो वन टाइम में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आप इसको बार बार ये चीजें ना करें। मैं आपको सजेशन देता हूँ कि अगर ये चीज़ आप बार बार करेंगे, काम करते हुए अबॉर्ट कर देंगे, तो हो सकता है आपका आईसी डैमेज में हो सकता है डैमेज हो जाए। तो मैं तो वन टाइम कर रहा हूँ, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ना करें सारे काम। तो हम करते हैं इजी अटैक को, यूएफआई को क्लोज करते हैं और इजी अटैक ओपन कर लेते हैं बॉक्स। तो यहाँ पे इजी अटैक का टूल ओपन हो गया, यहाँ पे हम वोल्टेज कम कर लेंगे और सभी फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सही रखेंगे और चेक एमएमसी पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे एमएमसी आपकी डिटेक्ट हो गई है। अभी पूरा डिटेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे गेट फर्मवेयर वर्जन शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे नॉट फाउंड बता रहा है, इसका मतलब फाउंड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें फर्मवेयर नहीं है, फर्मवेयर होता है, लेकिन इजी अटैक के अंदर एंड्रॉयड 9.0 के अबाव अगर वर्जन होता है तो ये शो नहीं करता। तो यहाँ पे देखना, आपका वार्निंग हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड बता रहा है, जिसका 60-70% लाइफ यूज हो गया है। तो हमें यहाँ से इसका फुल डंप बैकअप करेंगे। कुछ लोगों को इजी अटैक से डंप लेना भी नहीं आता है, तो ये प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएगा।
तो यहाँ पे आपको मैं स्टार्ट बाय स्टार्ट बताऊंगा, आपको रीड बाय वेंडर में जाना है, उसके बाद फॉर्म डिवाइस में जाके आप यहाँ पे पार्टीशन को, सभी यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, अभी यहाँ पे पूरा पार्टीशन आ गया, आपको ओनली यूजर डाटा को नहीं लेना है, यूजर डाटा को अनटिक करेंगे और यहाँ पे हमें इसका मेक अ डम बिफोर दिस पार्टीशन, तो यहाँ पे हमारा एक्सक्लूड डम बन जाएगा जहां पे हम रीड एमएमसी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया, आपको जहां पे इसका डम्प सेव करना, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे कर लूंगा और इसका एक फोल्डर बना दूंगा ओप्पो F9 Pro, मैं इसका इस तरह एक फोल्डर बना के इसमें मैं इसका सेव कर दूंगा डम्प। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा डम रीड होने में, मिनिमम 44 मिनट्स लगेंगे। यहाँ पे हमारा रोम वन बैकअप हो गया, जो कि टाइम इसने लिया था 22 मिनट्स, तो ये बड़ा फाइल होता है 7 GB का, इसके लिए इसने इतना टाइम लिया है। तो हमारा ये पहला रोम वन बैकअप हो गया, अब हम करेंगे रोम टू बैकअप, यहाँ से कर लेंगे हम रीड, उसके बाद वही आपको जहाँ पे रोम वन आपने सेव किया है वहीं आप उसको सेकेंड में वहीं सेव करेंगे रोम टू को भी। तो यहाँ पे जब तक ऑल डन नहीं आता जब तक वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑल डन लिख के आ गया। अब हमारा है रूम 3, हम इसे भी बैकअप कर लेंगे यहाँ से रीड करके और वही लोकेशन पे सेव करेंगे जहाँ पे रूम 1 और रूम 2 सेव किए थे, हम रूम 3 को भी सेव कर देंगे और इसी को भी आप ऑल डन आएगा जब तक वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डम रीड हो गया है। एक बार मैं आपको डेस्कटॉप पे बता देता हूँ जहां पे हमने फोल्डर सेव किया ओप्पो F9 Pro, यहाँ पे हमें रोम 1 मिल गया जो कि हमारा 7.14 GB बता रहा है, जो कि हमारा मेन यूजर एरिया होता है, इसमें हमारा सॉफ्टवेयर फाइल और IMEI सिक्योरिटी फाइल सब आ गया है, हमें इसे फ्लैश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को हमें रीड एंड राइट करके डाल देंगे हमारा फोन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा रोम 2 और रोम 3 भी आपका 4-4 MB में 4-4 MB का यहाँ पे बैकअप हो गया। EXT सिक्योरिटी फाइल यहाँ पे 3 बार रीड कर लेता है इसमें से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हम आएंगे टूल के पास और एक बार फिर से चेक एमएमसी यूएफएस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको करेंगे फैक्ट्री यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट, सबसे पहले इसे फॉर्मेट कर लेंगे हम यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट से। तो उसके लिए हम जाएंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे एडवांस में और यहाँ से करेंगे हम यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट। यहाँ से हम जैसे फैक्ट्री फॉर्मेट कर लेंगे इसका सारा सॉफ्टवेयर और IMEI नंबर इरेज हो जाएगा, सबसे पहले हमें इसे इरेज करना होता है। ठीक है, इरेज हम जब ही करेंगे जब हमारे पास इसका पहले डम्प बैकअप किया हो, बिना डम्प बैकअप करे आप ये प्रोसेस करेंगे तो आप फिर इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे ठीक से, या एक तो आप सिक्योरिटी रिपेयर नहीं कर पाएंगे या फोन को बूट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि आप जब भी काम करोगे सबसे पहले उसका बैकअप लेके रखना है, तो आपको कभी भी ये बैकअप काम आ जाए, जैसे कि फोन हमारा जो कंडीशन में है उसमें हम उसको वही कंडीशन में ला सकते हैं। तो यहाँ पे वेट करते ही देखो ना, अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्कैनिंग सॉफ्ट पार्टीशन, जबकि यहाँ पहले पार्टीशन शो कर रहा था, जब हमने इसको फैक्ट्री फॉर्मेट कर दिए अब यहाँ पे बता रहा है पार्टीशन टेबल नॉट फाउंड। ठीक है,
और ये फॉर्मेट करने के बाद भी आपका हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं जाता है। आपको करना ये है कि आप पहले फॉर्मेट करना आईसी को, उसके बाद आपको जाना है ईएमएमसी एचडब्ल्यू पार्टीशंस। यहाँ पे बता रहा है दिस इज वन टाइम प्रोग्रामेबल, नो चेंजेस अलाउ आफ्टर। तो यहाँ पे ये वन टाइम ही रिपेयर होगा, इसको हम यहाँ पे सारे को टिक लगाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे जो मेन फाइल है हमारा, ये मेन फाइल होता है जो को टिक लग के है, फिर भी हम सारे बॉक्स को टिक लगा के फाइनल राइट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा इस प्रोसेस में आपका हेल्थ रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना सक्सेसफुल बता रहा है, रिकनेक्ट ऑल एमएमसी लाइन पावर, ये आपको बता रहा है कि करने के लिए सब कर लो। यहाँ पे हम फिर से आइडेंटिफाई कर लेंगे ईएमएमसी को और यहाँ पे देखेंगे अब हेल्थ का प्रॉब्लम हमें शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा था यहाँ पे वो एरर नहीं आ रहा है और इसका हेल्थ तो 60-70% बता रहा था। एक बार हम इसका हेल्थ भी चेक कर लेंगे कि हमारा हेल्थ ये नॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए जाएंगे हम एडवांस में और यहाँ पे है हमारा स्मार्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पे हाँ, जैसे कि यहाँ पे अर्जेंट आ रहा था नॉर्मल की जगह पे, अब यहाँ पे नॉर्मल आ गया है और एमएलसी का हेल्थ हो गया था 60-70%, अब हो गया है 0-10%। अब ये हमारी आईसी हो गई है यूज, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। इसमें हमारा जो डंप रीड हुआ था हम उसको वापस से राइट करेंगे। तो अब राइट करने के लिए हम वापस आएंगे एमएमसी जनरल में एंड यहाँ पे टिक लगाएंगे सिंपली। तो इसके वजह से हमारा ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अनटिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा और ये टिक करेंगे ये इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे रोम वन बता रहा है सबसे पहले। तो डेस्कटॉप पे आएंगे और मेरा है ओप्पो F9 Pro। यहाँ पे हम सिंपली वन फाइल रोम वन को सिलेक्ट करेंगे और बाकी के जो फाइल से हमारे ऑटोमेटिक लोड हो जाएंगे, जैसे कि रोम टू, रोम थ्री और यह हमारा EXT CXD भी इसमें ऑटोमेटिक लोड हो गया है। तो यहाँ पे हम करेंगे राइट ऑल रोम, इस पे क्लिक कर देंगे सिंपली। तो ये रोम टू और रोम थ्री सबसे पहले राइट करता है, लास्ट में इसका रोम वन जो मेन बड़ा फाइल होता है इसको लास्ट में ही राइट करता है। और यहाँ पे अभी देखना, जैसे कि हमारा हेल्थ रिपेयर होने के बाद इसकी स्पीड बढ़ गई है, पहले जो स्पीड कम थी रीड करने में हेल्थ के कारण ये स्पीड कम ले रहा था, 22 मिनट्स लगे थे बैकअप करने में, अब यहाँ पे राइट करने में आपको मिनिमम 8 मिनट्स लगेंगे, जो कि अभी स्पीड हाई हो गई इसकी रिपेयर होने के बाद, जैसे कि इसको बूस्ट मिल गया हो। तो इसको वेट करेंगे हम जितना इसको अभी टाइम लगेगा, कम टाइम में ही आपका काम हो जा रहा है, 7 मिनट्स में ही आपका ये राइट करेगा डंप। इसके बाद हम इसको निकाल के फिक्स करेंगे बोर्ड में और सेट को ऑन करके आपके सामने लाइव बताएंगे जो भी इसका ऑन हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए। राइट हो गया है डम, हम एक बार इसको फिर से आइडेंटिफाई कर लेंगे एक बार यहाँ पे। ये एरर का कारण कुछ हो सकता है फ्लैशिंग भी करना पड़े, देख लेंगे एक बार, हमें अगर फ्लैशिंग की कभी जरूरत पड़ी तो हम फ्लैशिंग भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसे डायरेक्टली ऑन करके देख लेंगे कि हमारा कुछ इश्यू तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा डन हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एक बार मैं आपको हेल्थ चेक करवाऊंगा एमएमसी हेल्थ। यहाँ पे हमारा हेल्थ नॉर्मल है तो हम इसको अब करेंगे आईसी को रिमूव और फिक्स करेंगे बोर्ड पे और चेक करेंगे हमारा फोन अभी ऑन कम्प्लीटली ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार रिस्टार्ट हो रहा है तो हमें इसे ऑन करके देखेंगे सबसे पहले। तो चलो, तो फ्रेंड यहाँ पे हमें वापस फिक्स करेंगे हम ये आईसी को इस बोर्ड में। तो वीडियो में दिखाएंगे कि कोई भी काम में हम शील्ड कभी कवर नहीं करते सीपीयू को या कोई चीज़ों को, क्योंकि इसमें टाइमिंग का
आपका लिमिट होता है जो टाइमिंग के हिसाब से आप काम करते हो, उसके टाइमिंग के हिसाब से ही हमें ये सब नॉलेज होता है। ये शील्ड वही लोग लगाते हैं जिनको टाइम पता नहीं होता कि कितने टाइम पे आईसी फिक्स हो जाती है, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक हीट मारते रहते हैं और उनको टाइम पता नहीं होता कितना टाइम हो गया है। तो यहाँ पे हमें आईसी फिक्स करेंगे। हमारा यहाँ पे आईसी फिक्स हो गया, तो ये हमारा 20-30 सेकेंड के अंदर हमारा आईसी फिक्स हो जाता है। लोग यहाँ पे एक एक मिनट तक उसको हीट मारते रहते हैं ज़्यादा देर तक। ज़्यादा अगर हीट लग जाएगी तो आपका आईसी भी डैमेज हो जाता है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर वे बताएंगे कितने टाइमिंग में आपको आईसी रिमूव करना है, कितने हीट में निकालना है, कितने इसको टेम्परेचर रखना है, और फिक्सिंग में भी कितना टेम्परेचर में कितना आपको टाइमिंग के हिसाब से बिठाना भी है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो ये आपको एक एक लेवल हो जाएगा, आपका काम करने का एक लेवल हो जाता है। आप जो 10 साल के टेक्नीशियन होते हैं उनसे कुछ ज़्यादा, आप उनसे भी ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगा काम करने में। तो यहाँ पे आप खाली आईसी ही नहीं, आपको हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर एजेंसी तक का सारा नॉलेज डीपली बताया जाता है, जो कि हमारा 20 डेज का कोर्स होता है EMMC का, बेसिक टू एडवांस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है। इसमें आपका स्कीमेटिक भी डायग्राम मिलेगा आपको। तो इसमें आपको 20 डेज में सब कुछ मिल जाएगा, EMMC का भी मिल जाएगा, हार्डवेयर का मिल जाएगा आपको, स्कीमेटिक डायग्राम बताएंगे, फॉल्ट फाइंडिंग बताएंगे, ट्रेकिंग बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम फिक्स करेंगे बोर्ड में, चेक करेंगे हमारा ये ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे इसको फिक्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे फोन ऑन तो हो गया है, लेकिन देखेंगे अगर कोई रिस्टार्ट, क्योंकि राइट करने में डंप एरर हुआ था, देखेंगे अगर इससे हमें कोई दिक्कत आती है तो हम इसको USB के थ्रू से फ्लैशिंग भी कर सकते हैं ऑफलाइन के अंदर। ऐसा नहीं है कि किसी को ऑनलाइन करवाना है फिर से आईसी रिमूव करके फ्लैशिंग करना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये इसको USB से भी फ्लैशिंग कर सकता हूँ ऑफलाइन में, लेकिन पहले चेक कर लेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो हमें ये नौबत नहीं आएगी फ्लैशिंग की, मुझे इतना तो इस पर कॉन्फिडेंस है कि ये अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा रिस्टार्ट का। तो इसमें आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा बूट होने में, मिनिमम 5 मिनट्स तो लगेंगे, उसके लिए वेट करते हैं थोड़ा सा। कोई भी फ़ोन आप जब भी फ्लैशिंग कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो या FRP रिसेट कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आपका जब फ़ोन बूटअप होता है, ऑप्टिमाइजिंग होता है, जो कि इसके अंदर के एप्लीकेशंस होते हैं उसको टाइमिंग लगता है फर्स्ट टाइम बूट होने में। जब आपका वन टाइम एक बार बूट हो जाए तो आप सेकेंड टाइम उसको आप 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर आपका फ़ोन बूट कर देता है। तो फर्स्ट टाइम ही आपको टाइम लगता है। इसमें बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर ये फर्स्ट टाइम इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमारा आईसी ख़राब है या हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या कुछ इशू समझते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन हो गया, देख लेना आपने यहाँ पे सब पूरा फ़ोन हमारा ऑन हो गया। यहाँ पे हम एक इसको FRP बाईपास वाला कोड डाल देंगे, इसको हम कर देंगे यहाँ पे बाईपास, तो ये हमारा सिंपली स्क्रीन पे आ जाएगा फ़ोन। तो इसमें कस्टमर का डाटा चला गया, सब कुछ चला गया, बस हमारा फाइल और IMEI नंबर भी हम आपको यहाँ पे चेक करवाएंगे कि इसमें हमारा सारा पार्टीशंस और सारा चीज़ हमें आया या नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ हमारा वर्किंग में है, हम बेसबैंड वगैरह देख लेंगे। बेसबैंड आपका बता रहा है, यहाँ पे बेसबैंड देख लेना, क्योंकि हमने इसका बैकअप लिया था। अगर बैकअप आप नहीं लेंगे तो ये बेसबैंड अननोन हो जाएगा और साथ ही साथ इसका IMEI नंबर भी शो नहीं करेगा आपको। यहाँ पे IMEI 1 एंड IMEI 2 भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, दोनों भी चीज़ें यहाँ पे बैकअप हुआ है। तो ये बहुत मस्ट होता है इसमें आपको बैकअप करना, अगर ये आप बैकअप नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन में
प्रॉब्लम आएगा, आप ऑन तो कर लेंगे लेकिन ये बाकी का काम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। आईएमई नंबर आपका शो कर रहा है और आपका ये फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया, जो कि 15 to 10 seconds तक चल के जब ये रिस्टार्ट हो रहा था, अभी मिनिमम 25 या 30 seconds तो हो गया है, मिनिमम 1 minute के आसपास हो गया है, अभी भी ये रिस्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। सो फ्रेंड्स, ऐसे सारे फोन्स हम इसको ऐसे ही हम रिपेयर करने हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं कि ये मीडियाटेक के अंदर कैसे करते हैं, ओप्पो के अंदर कैसे होता है, ये वीवो के अंदर कैसे होता है, ये जितने भी ब्रांड्स आपके एमआई हो गए, ये सारे फोन्स के अंदर हम हेल्थ रिपेयर करना बताते हैं और कैसे वे में करना है। ये आपको कम से कम 3-4 वे में हम बताते हैं कि आप हेल्थ रिपेयर कैसे कर सकते हैं, रिपार्टीशन कैसे करते हैं, रिप्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना,